जनता फाउंडेशन के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मथुरा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कृष्णानगर बिजली घर पर स्थित समता फाउंडेशन के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी जी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता क्रांतिकारी नेता राकेश टिकैत के निर्देशन अनुसार भारतीय किसान यूनियन महानगर मथुरा का शिविर कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी क्रांतिकारी किसान मजदूरों के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह एवं देवेंद्र रघुवंशी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत मथुरा के कर कमलों द्वारा बाबा टिकैत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर कुंवर नरेंद्र सिंह, देवेंद्र रघुवंशी, रमेश सैनी अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राजवीर सिंह अध्यक्ष सुहेल देव समाज पार्टी मथुरा का पुष्पमाला पहनाकर हरित क्रांति का प्रतीक दुपट्टा उड़ाकर गगन भेदी नारों के साथ महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन का शहर में शिविर कार्यालय एक नए आयाम स्थापित करता है। अपार खुशी है कि जनसेवा के क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन अब शहरों में भी पैर पसार रही है। वरिष्ठ महा सलाहकार लोकेश राही, महानगर सचिव चित्रसेन मौर्य ने सभी आगंतुकों का माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत व आभार व्यक्त किया। उद्घाटन के दौरान भारतीय किसान यूनियन महानगर के शिविर कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया एवं स्मृति चित्र लगाकर उत्साह वर्धन किया। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आज मथुरा महानगर के कृष्णा नगर बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के शिविर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हम समता फाउंडेशन के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ महानगर सलाहकार लोकेश राही जी का धन्यवाद करते हैं। मथुरा महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से अनुरोध करते हैं कि इस शिविर कार्यालय पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा एवं सभी किसान भाई अपनी समस्याओं को लेकर अब योगेश राही जी के कार्यालय पर पहुँचें, सभी समस्याओं का समाधान होगा और शीघ्र ही मथुरा नगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सस्ता अभियान चलाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नरेश टिकैत जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी के निर्देशानुसार और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र रघुवंशी जी के सानिध्य में, महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी जी के सानिध्य में आज यहां पर कृष्णा नगर मथुरा में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन शिविर कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी और किसान मजदूरों शोषितों पीड़ितों के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी के और जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन देवेंद्र रघुवंशी जी, पवन चतुर्वेदी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी रमेश सैनी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी के नेता राजवीर सिंह जी के संयुक्त कर कमलों द्वारा यहां पर भारतीय किसान यूनियन महानगर कमेटी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया शिविर कार्यालय का। इस अवसर पर मैं सभी आगंतुकों का और किसान यूनियन के पदाधिकारियों का, महानगर कमेटी के लोगों का और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया को भी बधाई देता हूं और साथियों को भी बधाई अर्पित करता हूं। आज भारतीय किसान यूनियन का महानगर का शिविर कार्यालय का शुभारम्भ हुआ है और एक बड़ा पवित्र दिन है, अक्षय नवमी का पर्व है। ऐसे पवित्र दिन आज किसानों की समस्या, जवानों की समस्या, गरीबों की समस्या, निर्धनों की समस्या एक आम वजह बन गई हमारे देश के आज परिस्थितियों को देखते हुए, उसका आज कार्यालय का सभी हमारे अध्यक्ष जी हैं किसान यूनियन के, महानगर अध्यक्ष पवन जी हैं, हमारे लोकेश राही जी, ये तो इनका परमानेंट वैसे कार्यालय है, संघर्ष के लिए सभी के लिए संघर्षरत रहते हैं लेकिन उसमें आज एक आयाम और जुड़ गया है किसान यूनियन का। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को, सभी सहभागियों को धन्यवाद देता हूँ। अब चूंकि आगे आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं तो उसके परिदृश्य भी आज यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए हैं जो अलग अलग
वार्डों से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, तो उनको भी शुभकामना देता हूँ। जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को, नेताओं को न चुने, कार्यकर्ताओं को चुने, सेवक बन के काम करें। हमारे जो वर्तमान जो पार्षद हैं वो नेता हैं, मंत्रियों के संग फोटो खिंचाते हैं, अधिकारियों के संग फोटो खिंचाते हैं, फोटो पर ज़्यादा ध्यान देता है, काम पर कम ध्यान देता है। जो मूलभूत समस्याएं हमारे वार्डों की वो यथास्थिति पे, नालों की सफाई नहीं हुई, कई बच्चे बरसात में डूब गए, छोटी मृत्यु हो गई लोगों की, कई और ऐसे काम हैं जो कि नगर निगम के कार्यकाल में पूरे हो जाए। अब तो समझ रहे थे नगर निगम बन गया तो अब तो ये जापान का हो गया या पेरिस हो गया या लंदन हो गया, ऐसा सुंदर भव्य दिव्य बन जाएगा, लेकिन सारी स्थितियाँ यथास्थिति में है। सिर्फ अखबारों में बयानबाजी है, टीवी चैनलों पर बयानबाजी है कि हमने इसको ये कर दिया, हमने उसको वो कर दिया, हुआ कुछ नहीं है। आज भी स्थिति ऐसी की तैसी है, इसलिए मैं आने वाले जागरूक चैनल के माध्यम से मैं जागरूक जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो आपके सेवक बन के काम करें, आपके दिनों रात आपकी समस्याओं को निर्विवाद दूर करने के लिए काम करें। और आगे आने वाले समय में किसान यूनियन वैसे तो ग्रामीण अंचल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन आज शहर में भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है। आज जो बाबा साहब टिकैत साहब यहाँ पर विराजमान हैं, उनके सपने जो थे उन्होंने मुझे ध्यान है, मुख्यमंत्रियों को जमीनों पर बैठा दिया था। वीर बहादुर सिंह जब गए थे सौली में तब जमीन पर बैठे थे उनसे।